वैसे तो झांसी में नटवर लालू की कमी नहीं है। लोग झूठी बातें और फरेबी झांसों में झांसी के व्यापारियों व आम लोगों को ठग कर भाग जाते हैं। एक बार फिर से एक ऐसे ही व्यक्ति का नाम सामने आया है जिसमें एक युवक पर आरोप लगा है कि उसने स्वयं को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पीआरओ बताकर लोगों के साथ लाखों की ठगी की है। घटना की शिकायत पुलिस से की गई, लेकिन पुलिस इस मामले को दिल्ली का बताकर पल्ला झाड़ रही है। दरअसल मामला बड़ा गांव क्षेत्र से जुड़ा है, जहां दिगारा के रहने वाले सतेंद्र पाल ने पुलिस से शिकायत की थी। धीरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा उसके साथ धोखाधड़ी की गई है। शिकायती पत्र में बताया गया है कि आरोपी द्वारा कंपनी में निवेश करने व पार्टनर बनाने का वादा किया गया था। इसके लिए करीब 7 लाख से अधिक की रकम सतेंद्र से ली गई और काफ़ी समय तक वापस नहीं की गई। जब विवाद बढ़ा तो रकम तो खाते में डाल दी गई, लेकिन बैंक के द्वारा खाते को सीज कर दिया गया, जिससे सतेंद्र भी उस रकम को नहीं निकाल सके। इस मामले में कई लोगों ने आरोप लगाए हैं कि धीरेंद्र अपनी पत्नी के साथ मिलकर इस तरह से लोगों को झूठे सपने दिखाकर उनसे पैसे वसूलता है। इस जालसाज के द्वारा अपने सोशल मीडिया पर बड़े बड़े लोगों के साथ फोटो खिंचवाकर डाले गए हैं, जिसमें उसने स्वयं को भारत के रक्षा मंत्री का पीआरओ बताया है। इसी बात को बढ़ा चढ़ाकर वह लोगों को झांसे में लेकर उनसे किसी काम के एवज में पैसे वसूलता है। आरोप है कि आरोपी द्वारा कई लोगों से कभी नौकरी तो कभी ठेका दिलाने के नाम पर वसूली की गई है। फिलहाल पीड़ित ने आरोप लगाया है कि धीरेंद्र से उसे जान माल का खतरा भी है, जिसको लेकर उसने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी शिकायती पत्र दिया है। और मेरे साथ ये घटना हुई कि एक हमारे जानने वाले लोग थे, वो जो है हमें फर्म में शामिल करने का उन्होंने वादा किया था और हमसे कुछ पैसे उधार लिए थे, और वो जो है उन्होंने 27 मई को हमें वो पैसे RTGS के माध्यम से ट्रांसफ़र करा दिए। अब उन्होंने 28 मई को जो है फ्रीज करा दिया एक साजिश के तहत, और अब वो हमें धमकी दे रहे हैं कि इस पैसे को फ्रीज हमने करा दिया, अब इस पैसे को तुम निकाल नहीं सकते और अब वो पैसा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा और हम अपने कॉन्टैक्ट्स के द्वारा उस पैसे को वापस लेवा लेंगे। और अब वो चाहता है कि मतलब कई बार वो धमकी दे रहा है कि तुम्हारे परिवार के साथ में हम अन्याय कर देंगे, मारेंगे पीटेंगे। तो जो है मैं यहीं पर उनके साथ काम करता था, उनके घर में ही यहाँ रहता था, दिगारा में उनका घर है, वहीं रहता था मैं। तो धमकी दी तो फिर मैं वहाँ से निकल गया, और अभी जो है वो मेरे को काफ़ी धमका रहे हैं। वो कभी कभी रक्षा मंत्री का नाम लेते हैं कि मैं उनका PR हूँ, कभी कुछ कह देते हैं, कभी वो लोग मेरे वहाँ कॉन्टैक्ट्स हैं, कभी किसी को और भी लोगों को वो धमकाते रहते हैं। तो इस प्रकार की अनलग्रह बातें कर रहे हैं और वो अब मेरा पैसा देने से मुकर रहे हैं। मैं यहाँ एक ठेकेदारी क्या बोलते पेटी कॉन्ट्रैक्टर की वजह से काम कर रहा था, फर्म इनकी फर्म के नाम पर काम कर रहा था मैं। तो ये काम मैंने लिया था सितंबर में, काम मेरा फरवरी में लगभग फिनिश हो गया, तब से मैं यहीं पर हूँ। और यहीं पर होने के बाद मैं तो कभी ये बताता है मैं रक्षा मंत्री का PR हूँ, मेरे वो DIG कर्नल फलनल बोले सांसद मेरा पीछा नहीं कर सकते, ऐसी फ्रॉड वाली बातें करता है। तो एक कहने लगा हमारा जो पैसा फंसा हुआ है तो RTGS हुआ मेरे अकाउंट में, फिर उसके बाद वो अकाउंट हमारा फ्रीज करा दिया, यानी होल्ड करा दिया। झांसी से राजू सिंह के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट।